बोरिवली इथल्या कोरा केंद्र मैदानावर नवरात्रोत्सव भूमिपूजनाचा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी खासदार गोपाळ शेट्टी उपस्थित होते. तर कोरा केंद्र इथल्या नवरात्र उत्सव बोरिवलीतील सर्वात मोठा गरबा उत्सव आहे. नायडू क्लबकडून हा नवरात्र उत्सव आयोजित करण्यात येतो. नवरात्रोत्सवाच्या भूमिपूजन झाल्यानंतर संगीत कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. निश्चित मुंबईतील सर्वात मोठा आणि बोरिवलीतील सर्वात जुना हा नवरात्र उत्सव गणेश नायडू आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून साजरा होतोय. यावर्षी 19वा वर्ष आहे आणि ह्यावर्षी सौरभ मेहता, निकिता वागले, दिलेश जोशी, अर्चना महाजन असे सर्व नवीन कलाकारांच्या माध्यमातून एक नवीन उत्साह, नवीन झोम घेऊन या बोरिवलीच्या मैदानात उतरलेले आहेत. एक नवीनता ह्यावर्षी नवरात्र उत्सवाच्या माध्यमातून मुंबई शहरातल्याच नव्हे तर देश आणि विदेशातल्या लोकांना पाहायला मिळेल आणि म्हणून ह्या कार्यक्रमासाठी गणेश नायडू आणि त्यांच्या पुऱ्या टीमला एक खासदार ह्या नेत्याने मी शुभेच्छा देतो. बहुत ज्यादा सबसे पहले तो माताजी की दया है कि फिर एक बार मुझे इस कोरा केंद्र के ग्राउंड में गाने के लिए उसका मौका मिल रहा है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि हर गुजराती और नॉट ओनली गुजराती अभी तो सभी लोग इतने एक्साइटेड होते हैं नवरात्रि आती है तो गरबा खेलने के लिए. तो जैसे खेले या जितने एक्साइटेड है वैसे हम सिंगर्स भी एक्साइटेड हैं और आज भूमि पूजन में माँ जगदम्बा के आशीर्वाद के साथ हम लोग यहाँ से शुरू करना चाहते हैं नवरात्रि की प्रेपरेशंस. बहुत ही फेमस जगह है. बहुत सालों से मेरा अरमान था कि यहाँ पर आके मैं परफॉर्म करूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस साल मैं कोरा केंद्र में परफॉर्म करने जा रही हूँ. पारंपरिक नवरात्रि होती है, माता जी का यहाँ पर बहुत बड़ा हवन भी होता है. आज से आगाज हो गया है नवरात्रि 2023. तो मैं आप सबको निमंत्रित करता हूँ. नायडू क्लब प्रेजेंट्स एच ऋषभराज कोरा केंद्र नवरात्रि 2023 एट कोरा केंद्र ग्राउंड नंबर 1. दोस्तों, कोरा केंद्र ग्राउंड एक ऐसा ग्राउंड है, नवरात्रि की बात आए तो मुंबई कर्ज के दिल में सबसे पहला नाम आता है वो है कोरा केंद्र. सालों से यहाँ पर माता जी की भक्ति होती है और रासलीला होती है. तो आप सब भी जल्द से जल्द अपने टिकट्स ले ले और आ जाए हमारे साथ नवरात्रि की धूम मचाने. ये ग्राउंड में साक्षात माता जी का वास है और हमारे नायडू सर है वो 10 दिन तक बिना चप्पल बिना जूते वो घूमते रहते हैं. यहाँ पर ग्राउंड में आते हैं, हवन करते हैं और बहुत ही श्रद्धा से पूजा पाठ होता है, आरती होती है और माता जी के गरबे गाए जाते हैं. और हमारे तुषार सोनी का जो बैंड है बीट 16, उसको लोगों ने इतना पसंद किया है कि बार बार उसी को चाहता है. और आई विल बी ग्लैड, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ. लोकशाही मराठी ऐका पहा जागरूक रहा.